दोस्तों अभी रिंकू सिंह को बेहतरीन फिनिशर खिलाड़ी के रूप में बेस्ट खिलाड़ी मानते थे हमारे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह की खतरनाक डेब्यू पारी के दौरान कुछ ऐसे शॉट्स खेले और कुछ ऐसे कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिए जो आज तक के कुछ ही खिलाड़ियों ने कर पाया है। आखिरकार रिंकू सिंह ने डेब्यू मैच में ही कौन से रिकॉर्ड बना दिए आपको बताने जा रहे हैं, साथ ही रिंकू सिंह की बैटिंग हाईलाइट को भी दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह में कौन है बेहतर विस्फोटक बल्लेबाज, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम इस वक्त आयरलैंड के दौरे पर है जहां टीम इंडिया और आयरलैंड की टीम के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेला जा रहा है। इस सीरीज में दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने आयरलैंड को 33 रन से हरा दिया था जो कि पहले मुकाबले में डीएलएस मेथड के अनुसार 2 रन से जीत मिला था, और इन दोनों जीत के साथ सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली और साथ ही सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। बात करें मैच की तो भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था जो कि आगे चलकर एक गलत साबित हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 185 रन का विशाल स्कोर बना दिया था। भारतीय ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने और यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन पारी की शुरुआत करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने 58 रन की बेहतरीन व अर्धशत की पारी खेली तो ही यशस्वी जायसवाल ने 18 रन की विस्फोटक पारी खेली और भारत के लिए एक अच्छे विशाल स्कोर का नींव रख दिया। लेकिन जायसवाल के जल्द आउट होते ही तिलक वर्मा की बारी हुई। तिलक वर्मा ने पिछले मुकाबले में गोल्डन डक पर आउट हो गया तो इस मुकाबले में भी वो 1 रन बनाकर आउट हो गया। पिछले सीरीज में बात करें तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस की तो उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी बने गए थे, लेकिन इस बार दोनों पारियों में फ्लॉप साबित हुए और महज 1 रन ही बना पाए हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब यहाँ से जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की आ गई। संजू सैमसन ने बेहतरीन पारी की शुरुआत करते हुए 40 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद अब बारी थी शिवम दुबे और रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने बेहतरीन साझेदारी करते हुए रिंकू सिंह ने विस्फोटक 38 रन की पारी खेल डाली तो वही शिवम दुबे ने नाबाद 22 रन खेला और अंतिम में नतीजा यह रहा कि भारत ने 20 ओवर में 185 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया जिसमें से मैकार्थी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए। वहीं दूसरे पारी में 186 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम की शुरुआती काफी खराब रहा है जहां प्रसिद्ध किसान ने उनके दोनों शुरुआती बल्लेबाजों को खाता भी खोलने नहीं दिया और 0 पर आउट करके उसे पवेलियन भेज दिया। ऐसे में एक छोर पर दूसरे ओपनर एंड्रयू बालबर ने 72 रन की आतिशी पारी खेली लेकिन दूसरे छोर पर उन्हें अच्छा सहारा नहीं मिल सका। हालांकि निचले क्रम में मार्क एडर ने 23 रन की बेहतरीन पारी खेली लेकिन लगातार बढ़ते ओवरों से दबाव में आयरिश बल्लेबाज गलत शॉट खेलकर आउट हो गया और मेजबान टीम कोटे के 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 152 रन ही बना सकी। कप्तान जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और बिश्नोई ने 2-2 विकेट लिए तो वहीं अर्शदीप सिंह को 1 विकेट मिला और इस मैच डेब्यू कर रहे रिंकू सिंह ने बेहतरीन और विस्फोटक पारी की वजह से उसे प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। बात करें दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह तब बल्लेबाजी करने आए थे जब टीम इंडिया 12.2 ओवर में 105 के स्कोर पर अपना 3 विकेट खो दिया था। रिंकू के पास खुद को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था और उन्होंने ऐसा ही किया। रिंकू सिंह ने सिर्फ 21 गेंदों पर 180.95 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 38 रन की बेहतरीन स्कोर खड़ा कर दिया। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के भी जड़े थे। रिंकू की पारी के कारण टीम इंडिया का एक बड़े स्कोर हासिल कर पाए। रिंकू ने इस पारी के दमदार 3 बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं। रिंकू सिंह ने अपने डेब्यू पारी में कई बड़े बल्लेबाजों को पछाड़ दिया है। T20 इंटरनेशनल की डेब्यू पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं और वो इस लिस्ट के दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं T20 इंटरनेशनल डेब्यू पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में रिंकू सिंह 38 रन के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा भी रिंकू सिंह ने अपने डेब्यू पारी में प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब जीत लिया है। भारत के लिए बहुत कम ऐसे खिलाड़ी कर पाया है। वैसे दोस्तों आप सबको क्या लगता है रिंकू सिंह धोनी जैसे फिनिशर के रूप में उभर सकते हैं, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिए और क्रिएटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।